नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बिंद क्षेत्र में स्थित रीवा शहर के रानी तालाब के बारे में बताने वाले हैं और वहाँ का पूरा दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। दोस्तों, यहाँ पर अंदर प्रवेश करने के लिए दो गेट हैं, एक पूर्व साइड से है, एक पश्चिम साइड से है। तो हम पश्चिम वाले गेट पर हैं, ये मैन गेट है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, माँ काली का मंदिर है। जैसे हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पार्किंग है, अगर हम जाते हैं तो अपनी वाहन यहाँ खड़ी कर सकते हैं माता का दर्शन करने के लिए। और इस तालाब का दृश्य देखने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं। अब जो इस सीन आपको दिखाई दे रहा है, यह माँ काली का मंदिर है। इसी के बगल में दो पेड़ लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं। ये जो गुंबज दिखाई दे रहा है आपको, ये गुंबज माँ काली का है। और इसी के बगल में रानी तालाब बना हुआ है, जो आपको पानी दिखाई दे रहा है इस कॉर्नर पे, और रानी तालाब है। उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम चलते हैं इस मंदिर के बारे में बताते हैं। इस मंदिर में क्या क्या है और कैसी मूर्तियां यहाँ पर हैं, जूम कर ली। कितना अच्छा है ये मंदिर, बहुत भव्य है, देखने लायक बनता है। दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर और इस मंदिर को देख चढ़ा। पर्यटन स्थल है ये, कि गोले पर के हमारे रीवा जिले का एक धरोहर है। जैसे कि यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए माँ के दरबार पे खड़े हुए हैं। ये माता जी का मैन गेट है, मंदिर का मैन गेट है, जहाँ से अंदर माता जी के दर्शन के लिए जाते हैं। ये श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा बना हुआ है ये, इनका जो गेट है ये खास मटेरियल से बना हुआ है। ये माता जी की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह की माता है ये, बहुत अच्छी माता है। आप बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामनाएँ लेकर के और पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर से निकलने का ये रास्ता है। जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर भी बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। देखिए, जैसे आपको इसके बगल में मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं। आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा है इस मंदिर का, और बहुत भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप वहाँ जा कर के तो देखिए, बहुत सौंदर्य है और बहुत अच्छी अनुभूति होती है। ये ऊपर बना हुआ है, यहाँ से अगर हम देखें नीचे साइड तो गेट भी दिखाई देता है। इसी के बगल में हमारा तालाब है, तालाब के चारों तरफ पार्किंग बनाई गई है, हरे भरे वृक्ष हैं, उन वृक्षों को भी हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। और इस तालाब के बीच में एक मंदिर है, वो भी मंदिर बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो शाम के वक्त देखने में और भी अच्छा दिखाई देता है। तो चलते हैं, आपको हम उस मंदिर और उस तालाब को भी हम दिखाने वाले हैं। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये बरगद का पेड़ है। इसी के बगल में रानी का तालाब है, ये तालाब आपको दिखाई दे रहा है। इस तालाब के चारों तरफ बाउंड्री भी लगा दी गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और हमारे रीवा के नगर निगम के द्वारा। ये जो तालाब तालाब के बीच में जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यही मंदिर बीच तालाब में है। इस मंदिर में जाने के लिए आपको बोटिंग की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे बोट अवेलेबल है, नाव के द्वारा यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। ये तालाब बहुत गहरा है, इसमें बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, कम से कम ये 60 से 70 फीट गहरा है और इसका पानी कभी नहीं सूखता है, बहुत अच्छा तालाब है। ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है, ये फुटपाथ है। इस तालाब के चारों तरफ इस तरह का फुटपाथ बना हुआ है और इस तरह हरे भरे वृक्ष यहाँ पर हैं, तो लोग बाग इसी फुटपाथ से चारों तरफ घूमते हैं। और पार्किंग भी बनाई गई है बहुत अच्छी, लोग बाग यहाँ आके इंजॉय करते हैं। तो आप भी एक बार आइए और यहाँ पे इस तालाब का दर्शन कीजिए और इंजॉय कीजिए। टिकट की नीचे से कुछ कहिए, फिर वो कहीं चले जाइए। तो जो गेट दिख रहा है, यहाँ पे दो गेट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आने जाने के लिए सड़क की सुविधा भी है, आप बाइक ले जा सकते हैं यहाँ पर, किसी भी वाहन से भी आप जा सकते हैं। देखिए, टेम्पू भी अवेलेबल रहती है, अगर वहाँ पे पैदल भी हैं तो टेम्पू के द्वारा जा सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक
तो बनता है। धन्यवाद।